गुड मॉर्निंग, मजा आ गया जी रात को। ऑलरेडी हमारा प्याज टमाटर कट चुका है, अदरक है और ये लहसुन है और ये तो वेलकम बैक का माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कहीं ना कहीं काम पर व्यस्त होंगे। तो आज फाइनली सैटरडे का दिन था और 16 तारीख हो गए आज और मैं आ गया हूँ आज जमुना जी में कैंपिंग करने के लिए। कैंपिंग आज मैंने यहाँ पर लेट लगाया सेटअप, यानी कि 6:30-7 बज चुके थे जब मैं यहाँ आया, अंधेरा हो चुका था। तो वो वाला सीन मैं आपको दिखा नहीं पाया, वो वाला सीन दिखाऊंगा आपको मैं कल कि मैं कौन सी जगह पर मैंने टेंट लगा रखा है, कैंपिंग कर रहा हूँ। तो बहुत प्यारी जगह है, तो फिलहाल मैंने अपना ये सेटअप इस तरह का बना दिया है और आज मैं बनाऊँगा यहाँ पर चिकन एंड चावल। तो कुकर तैयार है, सब्जी मैं अभी काट लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं इधर दिखाता हूँ। बाकी सामान ऐसा है कुछ और कुछ यहाँ बैग यहाँ पर सेटल कर रखे हैं और ये है मेरा स्लीपिंग बैग। और तो गाइज पहले खाना बना लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको सेटअप दिखाऊँगा और पहले प्याज हाज काटते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हैं जो आसपास यहाँ पर रहते हैं, इधर आओ भाई। तो ये बच्चे भी आज कैंपिंग देख के बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये बाहर खड़े हैं, शर्म लग रही है इन लोगों को। तो ये है, क्या नाम है तेरा? दा दीपक। तो बड़ा अच्छा भाई। तो फिलहाल अभी तैयारी करते हैं खाना बनाने की, फिर आपके बाद मिलते हैं। तो प्याज के काटा जा रहा है और बाहर खड़े हैं दो बच्चे ये शर्मा रहे हैं बहुत। क्यों शर्मा रहे हो भाई? तो आराम से प्याज छिलने के बाद उसके बाद अपना खाना पीना तैयार होगा। तो पहले काम करता हूँ मैं, सारा सेटअप बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए। तो आज मैं जमुना जी आया था, मैंने कहा कैंपिंग करते हैं यहाँ पर, घर के पास ही नज़दीक ही है और बहुत अच्छा लगा। तो सुबह आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा आपको। और जमुना जी की काफ़ी सारी वीडियो बनाई है मैंने, अगर आप देख सकते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं आप मेरे, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं सब्जी काट के तैयार करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने प्याज काट दिया है, अदरक छील के काट रहा हूँ, लहसुन भी छील दिया है, तो ये ज़रा सा मज़ेदार बनेगा। एक्चुअली में क्या है कि गाइस घर पर हमारा चिकन चलता नहीं है, तो इसलिए मैं खाने की इच्छा कर रही थी, मैंने कहा चलो आज कैंपिंग भी कर लेंगे और अपने हाथ से बनाएंगे और चलते हैं जमुना जी पे। तो इसीलिए मुझे आज जमुना जी आना पड़ा और मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। तो ऑलरेडी हमारा प्याज टमाटर कट चुका है और ये अदरक है और ये लहसुन है और ये प्याज है और अब करते हैं स्टार्ट कुकिंग यहाँ पे। और तो ऑलरेडी गाइस जीरा का तड़का मार दिया और लहसुन अदरक भून दिया, अब प्याज डाल दें इसमें फर्स्ट क्लास। तो अब इसको भूनते भूनते आराम से बनाएंगे। अंकल जी को जल्दीबाजी थोड़ा ना हमारे को, क्यों है? तो यहाँ पर हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं और उनके साथ बातें भी कर रहा हूँ और खाना भी बनाते जा रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कभी कभी कैंपिंग भी करनी चाहिए यार, तो इसलिए मैं यहाँ पर आज आ गया। और ये लाया हूँ मैं आज चिकन मसाला और ये है चिकन। ओहो ये डालना तो भूल ही गया मैं, अदरक पेस्ट इसको भी डाल देता हूँ। आप हरिंदर काफ़ी मेहनती आदमी, ऐसी बात नहीं है, नहीं मेहनत और खर्चा करने वाले भी नहीं है, लेकिन अब ये पीता खाता भैया मैंने देखा नहीं इसको। ऑलरेडी गाइस मेरा खाना बन चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डिम हो गई है, अब तो खाता हूँ खाना। तो सो गाइस खाना हमारा बन के तैयार हो गया है रेडी और बाहर कुत्ते भोग रहे हैं और चिकन बना दिया है, चावल बना दिया है, अब खाना खाने करते तैयारी। तो हमारा देखो खाना ऑलरेडी सब तैयार हो चुका है, अब रखते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद फिर खाना खा के सोते हैं। खाना खाना कर दिया स्टार्ट मैंने अब, और चिकन बहुत अच्छा बन रखा है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो यार कभी चिकन खाए तो ऐसी टाइम पर ऐसी जगह आना पड़ता है, क्योंकि चिकन खाना घर पर अलाउ नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। बहुत बढ़िया बन रखा है, बहुत बढ़िया मज़ेदार, मस्त है, आप देख सकते हैं चिकन है, सलाद भी है और बाहर कुत्ते भी हैं, तो इनके लिए भी भोजन आज मैं दूंगा, पहले मैं खा लेता हूँ फिर दूंगा। तो इसी के साथ खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो गाइज रात के 12 बज चुके हैं और मैं खाना खा के सो चुका हूँ और बर्तन धोए नहीं मैंने इस समय, बर्तन जो है सारे इस समय वो पड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं और
लाइट लगा रखी है और ये है सारा सामान जिसके आप देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे सो रखा हूँ। तो मैंने लाइट अलग से लगा रखी है क्योंकि लाइट हो गई मेरी डिम, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। और जमुना किनारे में हूँ, सिर्फ ये है कि कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे, और कुत्ता का भौंकना आप जानते ही हमारे सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी बात है। तो कुत्ते ठीक भौंक रहे हैं ताकि हमारे आसपास कोई जानवर ना आए, हमको सचेत करते हैं इसलिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, और सो जाते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। को गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। रात को आ गया मज़ा और उड़ चुका हूँ। बाल बहुत लंबे हो गए यार, तो कुछ इस तरह सोया था मैं रात को यहाँ पे। धूप निकल चुकी है और 8:04 हो चुके हैं। बहुत लेट उठा क्योंकि रात को बहुत लेट सोया था इसलिए, और बहुत बढ़ रहा फर्स्ट क्लास। चलते हैं, उठते हैं, अब निकलते हैं इसे। ओह गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बहुत बढ़िया रहा कल। मैंने यहाँ पे कैंपिंग करी तो बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो बने रहे, थोड़ा सा और मैं यहाँ पर रुकूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा यहाँ से, और घर नज़दीकी है। तो कहाँ पर मैंने टेंट लगा रखा है वो जगह मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। और सुबह का सनसेट का लेने वाला था, लेकिन एक बार तो उड़ गया था मैं सुबह करीब 6:00, लेकिन उस समय बादल लगे हुए थे। मैंने कहा आज धूप नहीं आएगी, तो इसलिए फिर दोबारा सो गया। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और रात को कैंपिंग कहाँ पर करी मैंने, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा डिस्टेंस मेरे को जगह मिल गई है जहाँ पर मुझे कैंप टेंट लगाया मैंने। तो अपना हर डेली सैटरडे को यहाँ पर टेंट लगाया करूँगा, और अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा शांति वातावरण और खुला मैदान में सोना बहुत पसंद है, और कैंपिंग करना भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रात को आ गया था, और अचानक प्रोग्राम बना, मैंने कहा चलो कैंपिंग करते हैं, तो मैं आ गया यहाँ पे, और उसके बाद सीधा टेंट लगाया, खाना बनाया और खा के सीधा टल सो गया था। इसलिए तो आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा यहाँ का इस समय कि मैंने टेंट कहाँ पे लगा रखा है। तो ये है मेरी गाड़ी और वो है सामने टेंट। तो मैंने सोचा शायद रात को पाला पड़ेगा, तो पाला तो नहीं पड़ा। और ये है जामुन का पेड़, तो इसके नीचे मैंने लगाया था, और वहाँ पर ट्यूबवेल है, शायद पंप लगा रखा है डीजल। और चारों तरफ देख सकते हैं आप पूरा खेती का नज़ारा। तो ये है दिल्ली का जमुना जी का किनारा, और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो अक्षरधाम पड़ेगा। और ये सामने आप देख सकते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं लोग, घर घर बने हुए हैं यहाँ पे। और इस तरफ पड़ता है मयूर विहार, मेरे यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पर मयूर विहार है। और ये देखिए आप, ये चारों तरफ आपको खेती खेत नज़र आएंगे यहाँ पर। देखो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, खेती कर रहे हैं, और शायद आप जानते नहीं हैं कि ये बथुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ये इसको बोलते हैं भांग, तो भांग है। और नीचे आप जो देख रहे हैं घास है ना, ये पानी। तो अगर आप इसमें पैदल, ये देखो आय हाय क्या मज़ेदार है, ये देखो। तो सुबह सुबह अगर इस घास में अगर जो आदमी चलता है ना, तो कई बीमारियाँ रोग जो है दूर होती हैं ओस में, पानी में चलने में। तो ये है कुछ इस तरह का नज़ारा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। और तो देखो हम लोग सोए रहते हैं, और यहाँ पे 5:00 लोग खेत में आ गए थे, कितने जाने कितने कुंटल पालक काट के और गाड़ी में मंडी भेज दिया है लोगों ने, और हम सोते के सोते रह गए। तो करने वाले जो है बहुत करते रहते हैं, और लगे पड़े उनके बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, और जिनका खेत है उनका घर वो सामने है, और जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये था नज़ारा कुछ
इस तरह का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और मेरे को तो भैया बहुत मज़ा, अल्टीमेट नज़ारा अच्छा लगा मुझे भैया। खुले मैदान में सोना बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया। तो गाड़ी का नज़ारा मेरा इस तरह है, कुछ रात को गाड़ी लेके ही पाया था। और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, पहले यहाँ दिखाते हैं आपको ट्यूबवेल, और वो देखो क्या है, इसको क्या बोलते हैं इन पक्षियों को यार, पता नहीं हंस बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, इनके बारे में आप ज़रूर बताइए। सारस बोलते हैं शायद, अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर है ट्यूबवेल का नज़ारा, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ से लोग सब रात को पानी लगा रहते हैं लोग सारे। और ये है मेरा टेंट, वो वाला एकदम से फटक से खुलने वाला, यानी कि ये टेंट वो वाला है जो मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया था, छाता वाला। तो ये इस तरह का टेंट है, इसमें कोई झंझट नहीं है, और छाता खोलो और टेंट लगाओ सीधा ठिकाने। तो अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा बहुत, ये था मेरा अंदर का नज़ारा। तो यहाँ पर ये है मेरा स्लीपिंग बैग, और काफ़ी जगह है यार इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। ये है मेरा स्लीपिंग बैग, और अभी बर्तन धोए नहीं मेरे, तो ये रखा है बर्तन, और इधर रखे हैं मेरे बैग ये वाले। तो करते हैं ना अभी स्टार्ट। तो ऑलरेडी सारा सामान पैक कर दिया है, बस अब टेंट रह गया है, इसको टेंट को पैक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये कैमरा चल रहा है, चल रहा है। अच्छा सही, ये सीन लग रहा है। बिल्कुल। तो ऑलरेडी गाइज सामान सारा पैक हो गया, इस बार जो टेंट मिला ना, ये टेंट बहुत अच्छा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एकदम फोल्डेबल है। छाता खोलो छाता बंद करो, वो वाला सिस्टम है जैसे कि आपने देखा। तो पैकिंग सारी हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो इस तरह की मेरी पैकिंग हो चुकी है, और ये सारे बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं और भग गए। तो यहाँ पर काफ़ी सुबह का टाइम भीड़ लग गया, क्योंकि सभी लोग यहाँ से नहीं खाए, इधर देखने के लिए आ गए यहाँ पर। तो ये था पैकिंग मेरा, तो ज़्यादा सामान लेके नहीं आया था मैं यहाँ पे, इतना सामान यहाँ पे लेके आ गया। और अब यहाँ से निकलते हैं, कहें 8:30 बज चुके हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं। तो अगर आपको चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा भाई साहब। और क्योंकि आप ही हो लोग सपोर्ट करने वाले, तो आप सपोर्ट जरूर करना। और नेक्स्ट वीक फिर यहाँ पर लगाऊंगा, और यहाँ लगाऊंगा या अगले बगल में लगाऊंगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।